स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। Hey students, a very good morning to all of you. I am Apurva Singh और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन तैयारी पे। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं हम एमपी ज्ञान के नाम से, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं एमपी की जीके हम लोग इस सीरीज में स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको डेली मिलेगी सुबह 10 बजे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम लोग डिस्कशन करेंगे एमपी की जीके, चाहे वो एमपी का पहले। आज के सेशन में हम लोग एमपी का एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक सामान्य परिचय लेंगे और उसके बाद आने वाले वीडियोस में एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री, क्या क्या वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मिनरल्स, इन सारे के सारे फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे छोटे छोटे वीडियोस बना करके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा और ये इनिशिएटिव पसंद आएगा कि जिस तरीके से एमपी के एग्जाम्स एमपीएसआई, एमपी व्यापम पटवारी, एमपी टीचर्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल टीचर्स, जो संविदा शिक्षक की भर्ती होती है, उन सभी में हम देखते हैं 10 से 15 क्वेश्चंस एमपी जीके के रहते ही हैं। तो उन सेशंस को कवर अप करने के लिए, उन क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए यहाँ पे एक नए इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर ये पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को और कॉमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा क्या ओपिनियन है आपकी इसके बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली एक जो मध्य प्रदेश हमारा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का दिल, ठीक है, तो उसके बारे में एक बेसिक अगर हम बोले तो ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है एमपी और कुछ इसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एमपी की। तो सबसे पहले तो देखो 18th century से अगर मैं बात करूँ तो 18th जो आपकी सेंचुरी रही है उसके बाद में उस टाइम ड्यूरेशन पे एमपी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद में एमपी जो था वो बना, जिसका कैपिटल बना नागपुर। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद जो एमपी स्टेट फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसका कैपिटल बना नागपुर और उसमें जो रीजन्स आते थे जो मेनली कंस्टिट्यूट था इस पोर्शन में, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन, ठीक है, ये पूरा मिलाकर के बनता था, यानी कि यहाँ पे आपका बनता था एमपी का एरियाज और महाराष्ट्र का पोर्शन। फिर उसके बाद 1956 में स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ और इसमें विदर्भ रीजन जिसको हम बोले मराठी स्पीकिंग जो हमारा पोर्शन था उसको अलग कर दिया गया एमपी से। ठीक है, उसको अलग कर दिया गया एमपी से। फिर जो आपका नया स्टेट बना तो उस रिऑर्गेनाइजेशन में मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ठीक है, इन्होंने मिलाकर के नया एमपी बनाया 1956 में। एमपी का पोर्शन विदर्भ रीजन जो था वो अलग हो गया, महाराष्ट्र से जुड़ गया। ठीक है, तो दैट इज द हिस्ट्री। फिर उसके बाद में जो है ये बॉम्बे स्टेट से मर्ज हो गया, आपका जो मुंबई, आपका महाराष्ट्र रीजन है उससे मर्ज हो गया। और 2000 में फिर इसके बाद में वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ भी इससे अलग हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई एमपी की हिस्ट्री। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे वीडियोस आपके 10 से 15 मिनट के वीडियोस में कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, अलग अलग एंगल्स एमपी के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ना यहाँ पे एट प्रेजेंट ये तो हो गई उसकी हिस्ट्री के बारे में बात। अब अगर हम देखें तो एमपी जो है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एट प्रेजेंट एमपी जो है उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स कितने हैं, कितने बॉर्डर स्टेट से वो लग रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स के नाम है, तो एमपी के बॉर्डरिंग स्टेट्स आपके हो गए, और तो ये पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है ये एक एमपी एंड इट्स नेबरिंग स्टेट करके सेपरेट सेशन में मैं कवर अप करूंगी। यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में एमपी लगता है यूपी से,
ठीक है, साउथ ईस्ट में, एमपी आपको लगता है छत्तीसगढ़ से, साउथ में महाराष्ट्र, वेस्ट में गुजरात, और आपका नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान। ये है एमपी के नेबरिंग स्टेट्स। कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे कि कौन सा राज्य एमपी का सीमावर्ती राज्य नहीं है, ठीक है, तो हमको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहां तक हमको क्लियर हो गया कि क्या है। अब इसके बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी हो गई भोपाल, कैपिटल हो गई यानी कि राजधानी हो गई एमपी की भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। एट प्रेजेंट गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और आपके जो चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ। लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिक अमरल लेजिस्लेचर है विद 230 नंबर ऑफ सीट्स। हाईकोर्ट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और स्टेट वाइज एरिया वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो इसकी पॉपुलेशन है वो सेकेंड, ठीक है, बाय द एरिया सेकेंड लार्जेस्ट, एंड बाय द पॉपुलेशन इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा भारत का राज्य, और जनसंख्या के अनुसार जो है पांचवा सबसे बड़ा राज्य है ये, ठीक। नाउ नेक्स्ट, जो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पूछती है, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, लिटरेसी रेट साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 72.6% जो है साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की, और उसके साथ साथ सेक्स रेशियो 931। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो चीजें बचती हैं वो है उसके स्टेट सिंबल्स। यानी कि राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं, ठीक है, कभी भी हम किसी भी स्टेट के बारे में पढ़े तो उसके राजकीय चिन्ह हमको खास तौर से पता होने चाहिए। तो स्टेट एनिमल्स की बात करें तो स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है आपके इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, स्टेट ट्री है बनियन ट्री, एंड स्टेट फिश है आपका महाशर, क्लियर। फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्टेट एनिमल है हमारा एमपी का बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, स्टेट ट्री है बनियन ट्री, और महाशिर जो है टॉर्टल जिसको हम बोलते हैं वो है इसकी स्टेट फिश, क्लियर। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो भी मैं आपके साथ में शेयर करी है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। तो कैसा लगा ये इनिशिएटिव और कैसा लगा ये सेशन मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीप लर्निंग लाइक दिस, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग लाइक दिस।